हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम मैगी क्रंच बनाने जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने चार आलू लिए हैं, ये बॉयल आलू है, इसको हम कद्दूकस कर लेते हैं। ये बच्चों को बहुत पसंद आती है तो इसलिए इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, यहाँ मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब यहाँ मैं एक प्याज डाला है इसमें, जिसको छोटे छोटे स्लाइस में कट किया है। हाफ कैप्सिकम है, इसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया है। और हाफ टमाटर है जिसके बीज मैंने निकाल लिए हैं। यहाँ 2 टेबल स्पून चावल के आटा है, ये भी डाल देंगे। आमचूर पाउडर 1/2 टीस्पून, काली मिर्च 1 पिंच, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, ये भुना हुआ जीरा पाउडर है, काश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, नमक स्वाद के अनुसार, ये 2 कलियां लहसुन के और 1/2 अदरक के टुकड़े हैं जिसको छोटे छोटे मैंने कद्दूकस कर लिए हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ मैंने एक मैगी का पैकेट लिया है, ये आटा नूडल्स मैगी है जिसको मैंने क्रश कर लिया है बिल्कुल। और 2 टेबल स्पून मैदा है, ये देखिए। तो इसको हमें बैटर बनाना है। मैदा को प्लेट में डाल देते हैं। यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी करके हमें इसे मिलाना है। इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, एक थिक बैटर तैयार करेंगे। जब इसमें गुठलियाँ ना रहे, इसको अच्छे से मिक्स करना है हमें। ये देखिए, इस तरीके से ये थिक होना चाहिए। यहाँ मैंने हाथों में तेल लिया है, अब इसे आलू के जो हमने मसाला तैयार किया है इसको इस तरीके से रोल करेंगे ताकि हाथों में चिपके नहीं, इसलिए मैंने तेल लगाया है। इसको इस तरीके का शेप देंगे। ये देखिए, इसको बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता हमें ये बनाना है ताकि ये टूटे नहीं। ये देखिए, पूरा मैंने इस तरीके से तैयार कर लिया है। अब एक एक करके इसे बैटर में पूरे अच्छे से लपेटेंगे। और फिर ये मैगी जो मैंने क्रश करके रखा है उसके ऊपर इसको कोट करेंगे। बहुत ही सावधानी से ये करना है ताकि हमारा आलू टूटे नहीं।
कि देखिए यहाँ मैंने दोनों हाथों से अच्छे से इसे बनाया है रोल। ये देखिए इस तरीके से बन के तैयार करना है हमें बना के। तो बाकियों को भी हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे सॉफ्टली बिल्कुल। इसको अच्छे से बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता हमें हल्के हाथों से मैगी का ये क्रंच लगाना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने पूरे में रेडी कर लिया है। तो इसको हम 15 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देंगे। ये देखिए ये फ्रीजर में रखने के बाद सेट हो गया है बिल्कुल। अब हम इसे फ्राई करेंगे, सैलो फ्राई करेंगे इसे हम। तो यहाँ मैंने तेल गरम कर लिया है, फ्लेम मैंने मीडियम टू लो रखा है और एक एक करके हम इसे तेल में डालेंगे। और इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पकाना है और बीच बीच में हमें इसे पलटते रहना है ताकि इसे सब तरफ से हमें गोल्डन ब्राउन करना है। इस तरीके से पलटते रहेंगे हम इसे। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आती है तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बनाना भी बहुत आसान है। ये देखिए मैंने यहाँ फोक से पलटना शुरू किया है, फोक से आसानी से पलटा जा रहा है। ऑलमोस्ट हमारा मैगी रेडी है। ओके देखिए तो इसे एक एक करके अब निकाल लेंगे। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो इसको टिश्यू पेपर पे हम निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो टिश्यू एब्जॉर्ब कर ले। बहुत ही क्रंची बनता है, बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है ये, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। ये देखिए इसको निकाल लेंगे इस तरीके से। तो इसे ये देखिए हमारा मैगी क्रंच तैयार हो गया है। तो इसे सॉस के साथ बच्चों को ज़रूर खिलाइए, बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।